हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग चिकन सूप बनाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिकन स्टॉक बना लेना है। तो चिकन स्टॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लगभग एक चम्मच जितना ऑयल गर्म कर लिया है। अभी इसमें 100 ग्राम जितना बोनलेस चिकन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अभी इसमें 3 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेना है और 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 से 20 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसमें से जो चिकन के पीसेस है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे चिकन के पीसेस मैंने अलग निकाल लिए हैं। अभी इसको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे चिकन के पीसेस ठंडे हो चुके हैं। अभी इसको ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है। इसको इस तरह से श्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे चिकन के पीसेस को मैंने श्रेड कर लिया है। अभी इसको थोड़ी देर साइड में रख लेना है। अभी जो चिकन स्टॉक का कढ़ाई है वो गैस पे रख देना है और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है। अभी इसमें फाइनली चॉप किए हुए 4-5 लहसुन की कलियां ऐड कर लेना है, 1 फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर लेना है, थोड़ा सा फाइनली चॉप किया हुआ कैबेज ऐड कर लेना है, 1/2 फाइनली चॉप किया हुआ गाजर ऐड कर लेना है और 1/2 फाइनली चॉप किया हुआ कैप्सिकम ऐड कर लेना है और सभी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 8 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे लगभग 8 से 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अभी इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें एक एक करके सॉस ऐड कर लेना है। 2 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर लेना है, 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर लेना है, 1 चम्मच विनेगर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक कुक कर लेना है। तो इसको मैंने हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक कुक कर लिया है। अभी इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर लेना है। कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अभी इसमें लगभग 2 चम्मच पानी ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसमें ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें एग व्हाइट ऐड कर लेना है और इसको हाई फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है। तो अगर आपको इसी तरह की और भी सूप की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैंने हाई फ्लेम पे लगभग 3 मिनट तक कुक कर लिया है।
तो ये चिकन सूप बन के रेडी है, अभी इसको बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन सूप मैंने बाउल में सर्व कर लिया है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।